क्वेश्चन नंबर थ्री, देयर आर मेनी ऑरेंज इन अ बास्केट. फ्रॉम दिस बास्केट बाई एमलेसली टेकिंग 40 ऑरेंज आई रोट बिलो देयर वेट इन ग्राम. मतलब यहाँ पे 40 ऑरेंज का वेट दिया गया है जो ग्राम में है. पहला ऑरेंज का वेट है 45 ग्राम, दूसरा 35 ग्राम, तीसरा 30 ग्राम, इस तरह 40 ऑरेंज का यहाँ पे वेट दिया गया है. नाउ आई कंस्ट्रक्ट ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ए लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम दी अबव गिवन डेटा. हमको यहाँ जो डेटा दिया गया है उससे हम लोग को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और साथ ही साथ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाना भी है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इस तरह का आपको टेबल बनाना है. टेबल के पहले कॉलम में हमने लिखा है क्लास, फिर टैली मार्क, फ्रिक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, लेस देन टाइप. ये लिखने के बाद हमको क्लास लिखना है. तो क्लास लिखने के लिए हम डेटा में जाएंगे. डेटा में देखेंगे सबसे लोएस्ट वैल्यू या सबसे लोएस्ट वेट कौन सा है ऑरेंज का. तो चलिए हम लोग डेटा देखते हैं. देखिए यहाँ पे डेटा में सबसे कम वैल्यू जो है वो है 30 ग्राम और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 110. तो हम यहाँ पे लिखा है कि लोएस्ट वैल्यू 30 और हाईएस्ट वैल्यू 110. तो इसका रेंज क्या होगा, 110 से माइनस 30 करेंगे 80. तो क्लास हमको कुछ इस तरह लेना है. हमने यहाँ क्लास साइज लिया 10 साइज. क्लास लेने के बाद हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल तैयार किया है. आप 10 के बदले 15 भी ले सकते हैं, क्लास साइज 15 ले सकते हैं. तो आपका क्लास साइज कुछ इस तरह होगा. जैसा हमने 10 लिया है तो मेरा क्लास इंटरवल 30 से 40 इसके दरमियान 10 का डिफरेंस है, 40 से 50 इसके दरमियान 10 का डिफरेंस है, 50 से 60 इसके दरमियान 10 का डिफरेंस है. आप 10 क्लास साइज 10 के बदले आप 15 भी ले सकते हैं. अगर 15 लेते हैं तो 30 के बाद हो जाएगा 45, फिर यहाँ 45 से 60, इस तरह आपका क्लास इंटरवल तैयार होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पर लोएस्ट लिमिट 30 है और हाईएस्ट वैल्यू जो 110 है इसके बीच में लेना है. आप इससे कम, 30 से कम भी ले सकते हैं, 110 से ज़्यादा ले सकते हैं. ये आपका क्लास साइज का लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा. आप क्लास साइज का लेंथ कितना ले रहे हैं. हम यहाँ पर 10 लिया है इसलिए हमारा क्लास साइज का लेंथ जो है वो सबका 10 इक्वल है. आप 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं. उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप कि आपका क्लास साइज का लेंथ जो होगा वो हिसाब से आपका यहाँ पर क्लास इंटरवल तैयार करेंगे. जैसा 30 से 40 यहाँ पे मेरा 10 का डिफरेंस है, फिर 40 से 50, फिर 60 से 70, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120. इस तरह हमारा क्लास इंटरवल तैयार हुआ है. यहाँ पे तमाम क्लास जो है, क्लास लेंथ जो है वो इक्वल है, 10 का डिफरेंस है. आप 15 का डिफरेंस करके ले सकते हैं, 20 का डिफरेंस करके ले सकते हैं. ऐसी सूरत में आपका लोएस्ट लिमिट जो है ये 30 से भी कम हो सकता है और हाईएस्ट जो लिमिट 110 उससे भी ज़्यादा हो सकता है. इसके बाद हम लोग टैली मार्क लेंगे. टैली मार्क लेने के लिए हम लोग डेटा में काउंट करना पड़ेगा कि 30 से 39, 40 जो है ये अपर लिमिट है और ये अपर लिमिट जो है नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट में आता है. तो 40 हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर हम लोग को लेना है 30 से 39. तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं 30 से 39 कितने बार आए हैं. 1, 2, 3, 4, चार बार ये 30 से 39 के दरमियान जो वेट है ऑरेंज का वो चार बार आया है. तो हम लोग यहाँ पर टैली मार्क में चार इस तरह लिखेंगे, 1, 2, 3, 4. इसका फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा 4 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में भी हम लोग 4 लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, पहला क्लास का इंटरवल है. इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सेम होगा. तो इसका फर्स्ट क्लास में जो हमारा फ्रीक्वेंसी आया वो 4 है, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में 4. इसके बाद हम लोग दूसरा क्लास इंटरवल का टैली मार्क मालूम करेंगे. इसके बाद 40 से 49 को हम लोग काउंट करेंगे कितने बार डेटा में आए हैं और उसका टैली मार्क हम लोग लिखेंगे. तो चलिए काउंट करते हैं. 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो टैली मार्क में कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 6. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी उसको ऐड कर देंगे,
एट प्रेजेंट यानी 40 से 49 जो फ्रिक्वेंसी है उसमें प्रीवियस फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं तो हम लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस इन टाइप मालूम होता है। तो प्रीवियस फ्रिक्वेंसी जो है 30 से 39 में 4 है, 4 लिखा है यहाँ पे, प्लस 40 से 49 में 6 आया है, इस पर 6 ऐड कर देंगे, 4 + 6 = 10, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 40 से 49 क्लास इंटरवल का निकला। इसके बाद 50 से 59 का टैली मार्क मालूम करेंगे और फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो हम लोग डेटा में काउंट करेंगे कि कितने बार ये नंबर रिपीट हुए हैं 50 से 59। 1, 2, 3 तीन बार आए हैं ये नंबर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क में कुछ इस तरह 1, 2, 3, फ्रीक्वेंसी हमारा 3 होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो है 10 है उसमें 3 ऐड कर देंगे 13। इस तरह दूसरे क्लास इंटरवल का आप निकालेंगे खुद से, ताकि अगर यहाँ वीडियो बनाएंगे हम तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसको आपको खुद कर लेना है। मगर ये एक बात याद रखें, जब आप डेटा में काउंट करेंगे तो बहुत ध्यान से कि कोई भी नंबर छूट ना जाए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी सही से काउंट कीजिएगा, करने के बाद यहाँ पे टेबल में बढ़ाइएगा। तो हमने यहाँ पे पूरा टेबल कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक चीज़ याद रखना है कि आप फ्रीक्वेंसी को टोटल करके दे सकते हैं कि आपका यहाँ जो वैल्यू बैठा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 40 ऑरेंज का वेट दिया गया था तो यहाँ पे टोटल 40 आना चाहिए। तो हम काउंट करते हैं 4, 6, 10, 10, 3, 13, 4, 17, 8, 25, 7, 32, 3, 35, 3, 38, 2, 40। यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी जो है 40 है, इसके मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू बढ़ाया हमने ये करेक्ट वैल्यू है। इसको आपको टैली कर लेना है, मिला लेना है कि आपका टोटल फ्रीक्वेंसी जो बुक में दिया गया है 40 ऑरेंज का, वो यहाँ फ्रीक्वेंसी आया है कि नहीं। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, बनाना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिताली एंड मोहिदुल रोड बिलो द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर दिस मंथ ऑफ द 45 हाउसेज ऑफ देयर विलेज। मिताली या मोहिदुल अपने गांव के 45 घरों का इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट लिखा है यहाँ पे। ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट है जो एक रॉ डेटा है। आई कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द अबव डेटा। हमें ये इस रॉ डेटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरह का टेबल बनाना है। टेबल में लिखना है क्लास, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। ये टेबल बनाने के बाद हमें क्लास को फिल करना है, क्लास को भरना है। तो क्लास कैसा होगा हमारा, इसको समझने के लिए हम डेटा में जाएंगे, डेटा में वैल्यू देखेंगे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे लोएस्ट अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का कौन सा है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट अमाउंट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का है वो 52 है, तो हम यहाँ पे लोएस्ट अमाउंट लिखेंगे 52। सबसे हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट 130 है, तो यहाँ हाईएस्ट अमाउंट लिखेंगे 130। अब इस डेटा का रेंज क्या है उसको मालूम करेंगे। तो डेटा का रेंज होगा 130 - 52 = 78। इस डेटा का रेंज जो है वो 78 है। इसके बाद हम क्लास बनाएंगे। तो देखिए क्लास बनाने के लिए इससे पहले ही बताया जा चुका है कि लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे 52 है। ज़रूरी नहीं कि आप 52 से शुरू करें, आप इससे कम से भी कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं, 40 से भी कर सकते हैं। इसी तरह हाईएस्ट वैल्यू 130 है, तो ज़रूरी नहीं 130 तक मेरा क्लास इंटरवल ख़त्म होगा, इससे हम ज़्यादा भी ले सकते हैं 140, 150। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका क्लास लेंथ कितना है। हमने यह क्लास लेंथ लिया है 10 का डिफरेंस है यहाँ पे। फर्स्ट क्लास इंटरवल में जो क्लास लेंथ है वो 10 है, इसी तरह तमाम क्लास का जो लेंथ है वो 10 है। 50 से 60 क्लास लेंथ 10, 60 से 70 10, 70 से 80 इसका भी क्लास लेंथ 10, इस तरह 140 तक हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाया है। 30 से 140 लास्ट वाला क्लास इंटरवल है। आपको इसी तरह क्लास बनाना है। आपका क्लास लेंथ 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अगर क्लास लेंथ एक फर्स्ट क्लास का अगर 20 है तो तमाम क्लास का आपको 20 लेना होगा, या सब फर्स्ट क्लास का 15 क्लास लेंथ है तो तमाम क्लास का लेंथ जो होना चाहिए 15 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको आप अच्छा से समझ लीजिए कि आपका तमाम क्लास का जो लेंथ होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तभी आपका क्लास जो है तैयार होगा या बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्लास लेंथ जो है 10 रखा है, तमाम क्लास का क्लास लेंथ जो है 10 है। और एक बात कि यहाँ पर
इससे पहले भी बताया जा चुका है, यहाँ पर एक बार फिर रिमाइंड करते रहे कि पहला क्लास जो है 50 से 60, तो हम जो 60 जो वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि 60 ये अपर लिमिट में है, इसके जस्ट लोअर लिमिट जो 60 है सेकेंड नेक्स्ट क्लास में उसमें हम 60 काउंट करेंगे। कहने का मकसद है यहाँ पर 50 से 59 हम लोग काउंट करेंगे, जो भी नंबर डेटा में आएगा 50 से 59 वो यहाँ पर लेंगे, 60 जैसे आएगा 60 को हम नेक्स्ट क्लास में काउंट करेंगे, 60 से 69 करेंगे, फिर 70 को नेक्स्ट क्लास में काउंट करेंगे, इसी तरह करते हुए हम लोग जाएंगे 120 से 30, ये 30 जो वैल्यू आएगा 30 यहाँ काउंट नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा 30, इसीलिए एक्स क्लास ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर लेना पड़ता है 130 से 140, क्योंकि 130 जो है इस क्लास में काउंट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अब टैली मार्क को पुट करेंगे, डेटा को काउंट करते हैं, 50 से 59 वैल्यू कितने बार आए हैं डेटा में काउंट करके हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। हम लोग यहाँ पे 50 से 59 काउंट करेंगे, देखेंगे डेटा में कितने बार 50 से 59 आए हैं। तो 50 से 59 वन टू दो बार आए ये, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 होगा, टैली मार्क में इस तरह लिखेंगे 1 2। इसके बाद 60 से 69 काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 60 से 69 6 फ्रीक्वेंसी हमारा आया, तो यहाँ पे टैली मार्क में 6 कुछ इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आपको बहुत केयरफुली यहाँ पे डेटा में नंबर को काउंट करना है और काउंट करके यहाँ पे बैठाना है आपको। हमने यहाँ पे 2 करके दिखाया है आपको, बाकी करना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए आपका ये इस तरह ये क्लास टैली मार्क होगा, ये फ्रिक्वेंसी आएगा। अब आपको एक यहाँ से आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कि आपका ये जो वैल्यू बैठा फ्रिक्वेंसी का ये सही है कि नहीं। अगर इसको हम काउंट करेंगे, काउंट करके देखते हैं कितना होता है, 268 4 12 4 16 7 23 7 30 6 36 7 43 44 45, यहाँ पे वह फ्रिक्वेंसी टोटल आया 45, यानी ये जो है यहाँ पे वैल्यू दिया गया था 45 हाउसेस, इसके मतलब हुआ कि यहाँ जो वैल्यू बैठाया हमने फ्रिक्वेंसी में वो करेक्ट है। ये आप इस तरह क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कि आपका ये फ्रिक्वेंसी टोटल यहाँ पे जो 45 हाउसेस है उससे मिलना चाहिए।